मित्रों नमस्कार। अब मैं मेरे दूसरे एपिसोड में भी चंद्र कला रस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। चंद्र कला रस को और बीमारियों में किस प्रकार आपको लेना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बीमारी आज सबसे ज्यादा है वो है पित्तजन्य यानी पेतिक यानी मूत्र घात, यानी मूत्र में या पेशाब में आपके कोई जलन होती है तो उस जलन को कैसे दूर किया जाता है चंद्र कला रस से। यानी आपके पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपकी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी मूत्र विकार से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसको हम चंद्र कला रस से भी दूर कर सकते हैं। अब इसको लेना कैसे होता है, अगर इस प्रकार की आपको कोई बीमारी है तो इसको किस प्रकार से आपको लेना है। अगर आपके मदाग्नि में अमाशय में कच्चा अन्न रह जाने से कुछ दिनों बाद में गैस उठती है, उसका अर्धोगमन नहीं होता है, मस्तिष्क तक ये गैस पहुंच जाती है और जिसका आपके दिमाग में भी असर होता है, जिससे आपको कभी कभी चक्कर बेहोशी आ जाती है। अगर इस तरह की आपकी कोई समस्या है गैस बनना, अगर वो गैस ज्यादा बन रही है फिर वो गैस ऊपर उठती है और फिर आपके दिमाग में आती है, जिससे आपको सिर दर्द या बेहोशी या मूर्छा की कोई समस्या होती है तो उसमें भी आपको चंद्र कला का रस बहुत बेहद उपयोगी होता है। और ये विषाक्त गैस रक्त को दूषित कर देती है और रक्त को की नलिकाओं को भी दूषित कर देती है। तो इसमें आपको किस तरह चंद्र कला का रस लेना चाहिए, अगर ये लक्षण है आपके तो इन लक्षणों में चंद्र कला का रस कैसे लेना चाहिए। इन लक्षणों में आपको चंद्र कला का रस मिश्री के साथ लेने से बहुत उपयोगी होता है। आप मिश्री के साथ ले लीजिए चंद्र कला के रस की गोली को। चंद्र कला के गोले जो गोलियां आती हैं उनको पीस लेना है, कूट लेना है, पीस लेना है और एकदम महीन कर लेना है। फिर उस महीन चूर्ण को, जो चंद्र कला का रस हमने चूर्ण बनाया है एक गोली का या दो गोली का, उस गोलियों के चूर्ण को मिश्री के साथ मिला ले और फिर उसका सेवन करें। अगर ये लक्षण है तब, अगर आपको पित्त की समस्या ज्यादा हो गई है, अगर आपका पित्त रक्त में मिल गया है, आपका रक्त विषाक्त हो गया है और अगर आपके अमाशय में काफी दिनों से पड़ा हुआ मल जो गैस के रूप में अब आपके शरीर में बहुत सारी गैस बनने लग गई है जो आपके दिमाग पर असर डाल रही है तो उससे आपको काफी समस्याएं पैदा होती है। इन लक्षणों को दूर करने के लिए आप चंद्र कला रस को मिश्री के साथ ले तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसको चंद्र कला रस को त्रिफला कवाथ के साथ भी उपयोग कर सकते हैं। त्रिफला जो चूर्ण आता है उसके साथ अगर आप इन बीमारियों या इन लक्षणों में लेते हैं त्रिफला चूर्ण के साथ अगर चंद्र कला रस को लेते हैं तो भी आपको बहुत आराम मिलेगा। तो अगर ये लक्षण है तो आप चंद्र कला रस को दो प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, मिश्री के साथ, त्रिफला चूर्ण के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। और मित्रों जो आपको मैंने बताया है चंद्र कला रस की गोली एक या दो गोली सुबह शाम आपको लेनी होती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। चंद्र कला रस की एक गोली शुरू से स्टार्टिंग से लेनी होती है, बाद में इसको दो गोली भी कर सकते हैं और इतनी ही मात्रा आपको रखनी होती है चंद्र कला रस की गोली को। और चंद्र कला रस की गोली को आप पीस ले, कूट ले, उसके चूर्ण बना ले, जितनी गोली आपको सुबह और शाम लेनी होती है उनको कूट पीस कर फिर आपको हमने जो सेवन की विधि बताई है उसी प्रकार आपको सेवन करना होता है। तो इस प्रकार अगर ये लक्षण है तो आप इस चंद्र कला रस की गोली को इस प्रकार ले सकते हैं। धन्यवाद। हो गया ना?